हेलो फ्रेंड्स, एच डी टेक्निकल गुरु जी अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। ये कितना डिग्री का एल्बो और कितना डिग्री में ये रोलिंग है और कितना डिग्री हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल है, ये डिग्री कैसे निकाला जाता है, डबल रोलिंग में टेम्पलेट कैसे मोड़ा जाता है, ये वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप ये चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपका पहले आपका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये मेरे के व्यूअर्स ने मेरे को ये ड्राइंग भेजा है। ये डिग्री कैसे निकाला जाता है और इसका ट्रैवल पीसी कैसे भी निकाला जाता है, इसका डिग्री भी नहीं दिया, कितना डिग्री का एल्बो लगेगा और इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, एक व्यूअर्स मेरे को ड्राइंग भेजा, इसलिए मैं ये ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं है, पूरा आपको आसान तरीके से एक ईजी ट्रिक में मेथड लेकर आया। व्यूअर्स देखिए, ये आपको जो ड्राइंग देखे कभी भी आपको घबरावट नहीं होने का, ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आपको ध्यान रखने का। देखिए, ये बहुत व्यूअर्स की एक ड्राइंग देखे कंफ्यूज हो जाता है, नहीं ये कंफ्यूज नहीं होने का। पहले आपको क्या करने का, फ्रेश माइंड से पहले आपको देखने का स्टार्टिंग पॉइंट किधर है ना। स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखने का नॉर्थ डायरेक्शन देखने का। देखिए, ये आपको मैं बताया, हमेशा आपको हॉर ड्राइंग में आइसोमेट ड्राइंग में हमेशा बता रहा हूँ, पहले आपको डायरेक्शन चेक करने का, इसका बाद आपको डाउन साइड में आपको ड्राइंग नंबर लिखा है, ये पहले आपको ध्यान रखने का। देखिए, हमेशा ड्राइंग में नॉर्थ पॉइंट इधर रहता है, हर प्लांट में अलग अलग रहता है, एक नॉर्थ इधर रहेगा तो दूसरा जगह में इधर नॉर्थ रहेगा, तो इसका राइट साइड में आपको ईस्ट पकड़ने का। ओके फ्रेंड, तले ये ड्राइंग में नॉर्थ पॉइंट दिया हुआ, इधर आपको एरो दिया इसका नॉर्थ, तले इसका राइट साइड में क्या रहता है ना, ईस्ट रहता है, और इसका अपोजिट आपका वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट आपका साउथ है। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ समझाने के लिए। देखिए, मैं समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन डाल दी। देखिए, ये नॉर्थ हो गया आपको, नॉर्थ का राइट साइड हमेशा आपको नॉर्थ का राइट साइड आपको ईस्ट पकड़ने का, नॉर्थ का अपोजिट आपको साउथ और ईस्ट का अपोजिट आपको वेस्ट। ये आपको समझ गया, डाउट क्लियर हो गया है। अभी क्या करना है, देखिए ड्राइंग देखने का तरीका क्या होता है। देखिए, आपको फर्स्ट क्या देखने का, ड्राइंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं ड्राइंग भी, यहाँ से भी शुरू करते हैं आप, किधर भी आपको फेब्रिकेशन कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग में रहता है हमेशा देखने का ये सिंबल रहेगा और आपको देखने का ये सिंबल भी रहेगा, और ये सिंबल क्या है मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड, देखिए ये आपको जो लेंथ कितना दिया ना 725, कहाँ से ना आपको एल्बो सेंटर से, तो आपको पता है ना ये जितना इंच का पाइप का डिस्प्लेसमेंट चेक करने का, सपोज ये 6 इंच का है तो 6 इंच का एल्बो सेंटर निकालने का, 6 इंच का एल्बो सेंटर निकालने के बाद आपको क्या करने का 725 से एक एल्बो सेंटर माइनस करने का, और इस साइड में प्लांच रहेगा जो भी रहेगा आपको आपको माइनस करने का 725 से एक एल्बो सेंटर माइनस करने का, ये आपको पता है। जो शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये 900 एक एल्बो सेंटर माइनस करने का और ये एक एल्बो सेंटर माइनस करने का, ये कितना डिग्री का एल्बो और ये कितना डिग्री का एल्बो लिखा रहेगा इधर, कि आपको रोलिंग का मैं बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए इसको देखने का तरीका क्या होता है। देखिए, ये आपको क्या करना है, ये जो दिखा नॉर्थ, नॉर्थ का राइट साइड में क्या ईस्ट है, तले ये कहाँ से वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, फिर आपको देखिए नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या साउथ है, देखिए इसका पीछे इस तरफ आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं। ओके फ्रेंड, देखिए ये जो मैं रेड कलर मार्किंग किया इसीलिए, और ये ग्रीन कलर मार्किंग किया इसीलिए आपको समझाने के लिए, जो रेड कलर देखिए हॉरिजॉन्टल जैसे, क्यों ये हॉरिजॉन्टल है ईस्ट का तरफ जैसे, देखिए ये सब फ्लैट का जैसे। ओके, जो रेड कलर जो मार्किंग हुआ ये फ्लैट का तरफ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में रोलिंग है, जो ग्रीन कलर आपको जो मार्किंग दिया हुआ लाइनिंग, मतलब वर्टिकल जैसे, ये आपका वर्टिकल रोलिंग, मतलब ये ड्राइंग में क्या डबल रोलिंग है, हॉरिजॉन्टल भी रोलिंग है और आपका वर्टिकल भी रोलिंग है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में रोलिंग कितना डिग्री में हॉरिजॉन्टल में आ रहा है और वर्टिकल कितना डिग्री आपको ये निकालने का। ये आपका ड्राइंग में एक ही कलर में रहेगा, जैसे ब्लैक रहेगा तो ब्लैक ही रहेगा, लेकिन आपको मैं पहचान के लिए आपको ये रेड कलर मार्किंग किया इस तरफ, ये हॉरिजॉन्टल है, और जो ग्रीन कलर दिया वर्टिकल तरफ, ये आपका वर्टिकल है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया, एक स्टेप समझ गया, अभी सेकंड स्टेप में समझा रहा हूँ। ये जो लाइन कहाँ जा रहा है, देखिए ये जो लाइन कहाँ रहा है कि मैं बताया अभी नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या साउथ है, तले ये साउथ है, पहले ये चेक करने, ये नहीं चेक करने का, क्यों ये आपका पाइप रहता है, क्यों एल्बो है ये पाइप है, लेकिन रोलिंग का सिंबल ये है आपको पकड़ने का, ध्यान दीजिए। ये जो लाइन कहाँ जा रही है ना साउथ, तले ये आपको साउथ, साउथ से ईस्ट, ये भी ईस्ट किया, ये आपका साउथ से ईस्ट है, मैं आपको टेम्पलेट मोड़ के दिखाऊंगा, मैं पहले समझा रहा हूँ, साउथ से ईस्ट। ओके, तले ये हॉरिजॉन्टल में साउथ से ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन कितना डिग्री में आपको साउथ से ईस्ट जा रहे हैं आपको ये निकालना पड़ेगा। तले अभी हमको क्या करेगा, इसमें सेट कौन सा और रन कौन सा आपको ये पहले निकालना पड़ेगा। देखिए, ये ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं। ओके, तले ये आपका कौन सा है, ये आधार है, मतलब भूमि है, और ये आपका क्या लंब है, और ये क्या है न कर्ण है,
अभी मैं एक ही रोलिंग निकाल रहा हूँ, अभी हॉरिजॉन्टल का रोलिंग निकाल रहा हूँ, अभी वर्टिकल नहीं निकाल रहा हूँ, अभी एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको हो गया कर्न। तो आपको कर्न का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने का, आधार पर भूमि ये कितना ना 500, और ये आपका कितना है लंब कितना 500। तो आपका कर्न का फॉर्मूला क्या, देखिए ना 500 इधर स्क्वायर डालने का प्लस ये आपका 500 स्क्वायर इजिकल टू आपको रूट ओवर कितना है ना 707.10। 707.10 ये आपका कर्न निकल गया, ये आपका ट्रैवल। ओके फ्रेंड, एक स्टेप हो गया। तो आपको डिग्री निकालने का, देखिए ये डिग्री निकालने के लिए कभी भी इसको अपोजिट लेने का, मतलब टैन का फॉर्मूला यूज करने का, कैसे आधार डिवाइड लंब लेने का, कभी भी ये डिग्री से इसको अपोजिट लेने का, हमेशा टैन का ही फॉर्मूला यूज करने का कभी भी। तो आपको क्या करना है, ये डिग्री चाहिए क्यों, हम इधर से लाइन कर रहे हैं क्यों, ऐसे इधर से लाइन करके आ रहे, ये डिग्री चाहिए, ये कर्न, ये डिग्री का ये कर्न, ये जो अपना कोना का डिग्री चाहिए। तो हमको क्या करना है, 500 / 500 मारने का। तो 500 / 500 इज इक्वल करने का कितना 1 आया, फिर आपको इधर शिफ्ट टैन इनवर्स मानेगा कितना 45। ये आपको हो गया 45 डिग्री एल्बो, 45 रोलिंग है। इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखने का, कभी भी आधार और लंब सेम रहेगा तो आपको 45 डिग्री याद रखने का। इमीडिएटली आपको कोई भी क्लाइंट इंटरव्यू पूछेगा कितना डिग्री ना 40 बताने का, सपोज इधर 1 मीटर दिया होगा, इधर 1 मीटर सेम रहेगा तो आपको 45 ये बताने का। देखिए ये आपको ये डिग्री का आधार दिया था, ये लंब दिया था, कर्नर निकाल दिया। तो ये वर्टिकल का रोलिंग में ये आपको क्या, देखिए ये सेम आपको क्या पकड़ने का, भूमि पकड़ने का, आधार पकड़ने का, और ये आपको लंब पकड़ने का। देखिए ये 707 क्यों, इसका नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल ये कर्न हो जाएगा, और ये वर्टिकल के लिए ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। तो भूमि कितना ना 1225, और ये आपका लंब 707.10। तो हमको कर्न निकालने का, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने का। देखिए तो आपको कितना 1225 स्क्वायर, सेम आपको इधर जैसे प्लस यूज किया था इधर का, आपको सेम आपको प्लस यूज करने का, प्लस ये आपका 707.10 फिर स्क्वायर डालने का, आपको इजिकल डालने का, आपको रूट ओवर डालने का। तो रूट ओवर कितना है 1414.43। देखिए बहुत आसान है आपको ये 1414.00 भी डाल देने का, ये आपको सब लेंथ निकल गया। कभी भी देखिए लेंथ नहीं देता आपको इसे निकालने का, ड्राइंग में हमेशा दे देता है, लेकिन फिर भी ये ड्राइंग में आपको व्यूअर्स ने भेजा था लेंथ नहीं निकाला, इस तरह आपको लेंथ निकालने का, ये लेंथ निकाला क्यों, ये लेंथ नहीं निकला था डिग्री नहीं निकलेगा। ओके फ्रेंड, इसीलिए आपको लेंथ पहले निकालने का, इसका मतलब डिग्री निकालेगा कैसे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल में डिग्री निकाला कितना 45 डिग्री, और आपका वर्टिकल भी निकालेगा। पहले मैं आपको टेम्पलेट मोड के दिखा रहा हूँ, देखिए ये आसान है, कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत घबरा हो जाते हैं। देखिए वीडियो एक बार दो बार देख लेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं और एक वीडियो बनाया था रोलिंग के बारे में, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया, वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक वायर लेकर आया, ये वायर को टेम्पलेट बोला जाता है। ओके फ्रेंड, ये टेम्पलेट मोड के कभी भी आपको फेब्रिकेशन करने का एरेक्शन करने का। ओके फ्रेंड, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपको पहले एक तार लेने का, तार को इसको बोलते हैं क्या टेम्पलेट है। ओके फ्रेंड, देखिए पहले आपको मैं हमेशा बता स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए ये स्टार्टिंग किधर गया आपको, ईस्ट का तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, ये डायरेक्शन देखे आपको लाइन लेने का। देखिए आपको क्लाइंट इंटरव्यू में पूछेगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितना डिग्री में रहता है, आप बताने का 30 डिग्री। ओके, इसको प्रूव कर दिखाओ, वो भी आपको मैं वीडियो बनाया, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दिया, वो भी आपको देख सकता है। ये आपको ईस्ट गया है, तो ये आपको ईस्ट है, तो मैं हमेशा बताया मेरा फ्रंट का सामने नॉर्थ, और राइट साइड में आपको क्या हुआ ना ईस्ट, और आपका बैक साइड हो गया आपको साउथ, ईस्ट का अपोजिट आपका हो गया वेस्ट। देखिए ये आपका वायर है, वायर से ईस्ट का तरफ गया, ये आपका राइट साइड का ईस्ट है, ऐसे लेने का ईस्ट, फिर ईस्ट से देखिए ये आपका ईस्ट का तरफ हो गया। ओके फ्रेंड, लेकिन ये कहाँ गया, देखिए ये साउथ, नॉर्थ से साउथ है, तो ये आपका साउथ, तो मेरा बैक साइड कौन सा है साउथ है, तो ऐसे साउथ मोड़ने का, देखिए ऐसे देखिए ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया साउथ।
ये ईस्ट क्यों? ड्राइंग में आइसोमेट्रिक 30 डिग्री में रहता है, लेकिन आपको मोड़ने का आपको 90 में, क्यों 90 डिग्री एल्बो है, तो ये आपको 90 तल किधर गया ना, साउथ का तरफ। ओके ब्रेंड, ये साउथ हो गया, यहाँ तक तो आपका हो गया। तो ये एल्बो अभी मैं बताया 45 डिग्री एल्बो और 45 डिग्री रोलिंग है, तो कौन सा हॉरिजॉन्टल में रोलिंग है, तो हॉरिजॉन्टल किधर जा रहे हैं नहीं, आपको ये चेक करने का। तो ये आपको साउथ टू, देखिए साउथ, साउथ टू ईस्ट। ओके फ्रेंड, देखिए साउथ टू ईस्ट आपको मोड़ने का कैसे, देखिए मैं आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, पेपर लेकर आया, देखिए साउथ टू ईस्ट, तो ऐसे मैं टेम्पलेट मोड़ा था, यहाँ ऐसे रखने का, ऐसे क्यों ऐसे रखने का, ये साउथ का तरफ आया ना पहले, ये साउथ है, साउथ और ईस्ट के में 48 डिग्री में गया, कल 48 डिग्री होगा, तो ये देखिए आपका 48 डिग्री। मैं एक आपको समझाने के लिए एक दिखा देता हूँ, ये कोई भी आपको यूट्यूबर ऐसे नहीं बताएगा, देखिए ये आपका 48 डिग्री, क्यों इस ये 90 और ये भी 90, इसका सेंटर में जाएगा आपका 48 डिग्री। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ 48 डिग्री और ये आपका भी 48 डिग्री। देखिए पहले हमको ड्राइंग में कौन सा किधर दिया आपको ना, साउथ टू ईस्ट में 48 डिग्री रोलिंग है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये जो फ्लैट है ये आपको फ्लैट में जाएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल है, ऐसे साउथ है, साउथ टू ईस्ट का तो लेने का 48 डिग्री, पहले ये आपको इस तरफ लेना है, देखिए मतलब और भी थोड़ा मतलब और ऐसे बनेगा, देखिए 48 डिग्री, क्यों पूरा आपको 90 कर देगा, तो देखिए मैं पूरा मैं 90 दिखा रहा हूँ, इससे ये 90 कर दिया, ये आपको 90 मतलब किधर जा रहे हैं ना, ईस्ट चला गया, इसलिए साउथ टू ईस्ट में दिया आपको, समझे। देखिए ये आपको हो गया साउथ, साउथ टू ईस्ट में जा रहे हैं, ये आपको 48 डिग्री जा रहे हैं, 48 डिग्री हॉरिजॉन्टल, 48 डिग्री 48 डिग्री में ना साउथ में गया ना ईस्ट में गया, इसका बीच में जा रहे लाइन। ओके ब्रेंड, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ये जो आपका पाइप जो ट्रैवल पीछे ये वाला पाइप है, लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल रोलिंग है, तो ये हॉरिजॉन्टल में, अभी वर्टिकल किसको बोलते हैं ना, ये वर्टिकल मतलब ये एल्बो ऐसे ऑफ में जाएगा तो वर्टिकल है, लेकिन ये कितना डिग्री में ऑफ में जा रहे हैं आपको निकालना पड़ेगा पहले। देखिए ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने का, ऐसे मैं आपको डिग्री निकालने का कैसे बताया, 500 / 500 शिफ्ट 10 मारा था, सेम आपको ये डिग्री निकालने के लिए, क्यों हॉरिजॉन्टल का निकाला, अभी वर्टिकल का रोलिंग निकालेगा, वर्टिकल रोलिंग निकालने के कैसे मैं बताया था, ये डिग्री निकालने के लिए इसको आपको टैन का फॉर्मूला यूज करने का, तल आधार डिवाइड लंब है। ओके, तल आधार कितना है, 1225/707 पॉइंट डालने का, 0.43 इजुगल डालने का, ये आपको दिखाई दे रहा है शिफ्ट येलो वाला, ये आपको शिफ्ट डालने का और टैन इनवर्स डालने का, फिर इजुगल करने का कितना आपको आया ना 59.9 बस 60 डिग्री, तल आपको ये हो गया आपको 60 डिग्री वर्टिकल का रोलिंग है, देखिए 60 डिग्री आपको ये हो गया। ओके ब्रेंड, देखिए आपको 60 डिग्री कैसे निकलेगा, देखिए मैं बता हॉरिजॉन्टल में रोलिंग है आपका, हॉरिजॉन्टल 48 डिग्री एल्बो 48 डिग्री रोलिंग है, और वर्टिकल में कितना 60 डिग्री में निकल गया, देखिए मैं फिर आपको फिर दिखा रहा हूँ, देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये जो फ्लैट जैसे ये रहेगा तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल के अभी 60 डिग्री में अप होने का, तल आपको ये 60 डिग्री ऑफ में जा रहे हैं, ऑफ में देखिए ये जो ग्रीन कलर है ना ये ऑफ में दिखा रहे हैं, मतलब ये आपको वर्टिकल रोलिंग है, वर्टिकल रोलिंग मतलब इसको ऑफ करने का, इसे 60 डिग्री देखिए, देखिए ये 60 डिग्री ऑफ में जा रहे हैं, देखिए ये ऑफ है, क्यों हॉरिजॉन्टल रोलिंग है तो इसका फ्लैट हो जाएगा, इसे इसलिए थोड़ा ऑफ में जाएगा, ये सेम डिग्री में सेम डायरेक्शन में 48 डिग्री एल्बो में, 48 डिग्री एल्बो को आपको क्या करने का 60 डिग्री एल्बो रोलिंग करना, इस तरह रोलिंग ऑफ में करने का, मतलब एल्बो इसे घुमाने का, ये एल्बो यहाँ से घुमाने, ये फिक्स रहेगा ये एल्बो और ये जो 48 डिग्री एल्बो को आपको क्या करने का 60 डिग्री में रोलिंग करने का, लेकिन अब 60 डिग्री रोलिंग कैसे करेगा वो भी मैं वीडियो बनाया, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और डिस्कशन में एंड में आपको वीडियो लिंक दिया होगा, आपको देख सकते हैं, और वीडियो का एंड में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा एल्बो रोलिंग कैसे हो जाता है। ओके ब्रेंड, रोलिंग हो गया 60 डिग्री, देखिए ये आपका 60 डिग्री, आपका 60 डिग्री निकल गया, ये आपका ये ट्रैवल पीस, ये आपका ट्रैवल है, ये जो डिग्री दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डिग्री है 60 डिग्री में हो गया, फिर कहाँ गया आपको ये किधर गया साउथ, तले ये आपका साउथ की तरफ गया, तले ये क्या करने का ऐसा रखें, साउथ किधर है मेरा बैक साइड में बताया अभी, फ्रंट का सामने नॉर्थ और ये आपका साउथ है, तले ये आप में आप साउथ में मोड़ने कैसे साउथ 90 डिग्री एल्बो मोड़ने, क्यों डायरेक्ट 90 दिखाया साउथ, देखिए मैं आपको पूरा कॉर्नर में ले जाता हूँ, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ, देखिए देखिए ये आपको ईस्ट में गया, ये आपको ईस्ट है, फिर आपको ये साउथ है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपको 48 डिग्री एल्बो और 48 डिग्री
हॉरिजेंटल रोलिंग है, 48 डिग्री एल्बो साउथ एंड ईस्ट में गया, तो ये साउथ एंड ईस्ट में आपको हॉरिजेंटल हो गया। ऑफ में क्यों गया ना, आपका 60 डिग्री आपको रोलिंग करने का ऑफ, ये वर्टिकल जैसे ये आपको ऑफ में गया। फिर ऑफ ये आपको ट्रैवल पीस, ये हो गया ट्रैवल पीस। फिर ये कौन सा है ना साउथ में गया, तो ये आपका साउथ में तरफ मेरा तरफ आया, ये साउथ का तरफ। ओके फ्रेंड, इस तरफ आपको निकालने का, इस तरफ को फेब्रिकेशन करने का। फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लीज चैनल का सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।